एपिसोड के स्टार्टिंग में अब हमें दिखाया जाता है कि जो चूजिंग योन के नए दो फ्रेंड थे उन दोनों के बीच फाइट होने वाला है, और वो दोनों फाइट करने से पहले एक दूसरे के साथ ये बात किया था कि वो दोनों फ्रेंड हैं, पर लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे को बिल्कुल भी ढील नहीं देंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे से फाइट करेंगे। अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ फाइट करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और दोनों ही एक दूसरे के जो मैच है वो जीतने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि जो सियाओ फैंग है वो बटरफ्लाई टेक्निक के सामने हार जाता है। अब अगला मैच जियाओ फैंग और सुई किए योन के बीच होता है, जिसमें जियाओ फैंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सुई किए योन के साथ लड़ने की कोशिश करता है, पर लेकिन सुई किए योन के पावर बहुत ही ज़्यादा था तो इसी वजह से वो टिक नहीं पाता सुई किए योन के सामने और वो इस बैटल को हार जाता है यहीं पर। अब सुकी अपने फ्रेंड जियाओ फैंग को इस तरीके से घायल देख के वो सुई के योन को चैलेंज कर देता है अगले फाइट पे वो उसे हराएगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो टूर्नामेंट है उसका सेमीफाइनल स्टार्ट हो चुका है, जिस सेमीफाइनल में सुकी और सुई के योन इन दोनों के बीच फाइट डिसाइड होता है, और हम देखते हैं यहाँ पे चूजिंग योन सुकी को बताता है कि सुई के योन से संभल के रहने के लिए, क्योंकि उसका 9 ब्लू वेव अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो रिंग मास्टर है वो सुकी और सुई के योन के लिए एक रिंग बनाता है, और उस रिंग के अंदर सुकी और सुई के योन का जो फाइट है वो शुरू होता है, और इस फाइट में सुकी बहुत बार कोशिश करता है सुई के योन को हारने की, पर लेकिन सुई के योन सुकी के हर अटैक से बच जाता है और सुई के योन एक ही अटैक में सुकी को जख्मी कर देता है, जिस वजह से सुकी इस बैटल को हार जाता है। अब सुई के योन के इस तरीके के फाइट करना देख के वो जो ग्रैंड मास्टर थे वो इम्प्रेस हो रहे थे इससे। इन सब के बाद अब चूजिंग योन का सेमीफाइनल राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें चूजिंग योन और ली टू अंग के बीच फाइट डिसाइड होता है, और हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि जो ग्रैंड मास्टर है उसने ली टू अंग को कहा था चूजिंग योन को मार देने के लिए। और अब हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे चूजिंग योन और ली टू अंग फाइट कर रहे थे, जिस फाइट में ली टू अंग चूजिंग योन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा था, और चूजिंग योन कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद अपनी लाइकमिन पावर के मदद से मैच का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, और वो अब ली टू अंग के ऊपर भारी पड़ रहा था, और ऐसे ही उनका फाइट चल रहा था जैसे ही चूजिंग योन जीतने वाला था। तो हम देखते हैं कि कोई तीसरा पर्सन आके चूजिंग योन के ऊपर दूर से अटैक करता है, जिसके वजह से चूजिंग योन का सर घूमना स्टार्ट हो जाता है, और हम देखते हैं कि ली टू अंग ये चीज़ नोटिस करता है, पर लेकिन वो इसका फ़ायदा नहीं उठाता। वो चूजिंग योन के पास जाके कहता है कि तुम मुझे हिट करो, उसके बाद चूजिंग योन उसे हिट करके रिंग के बाहर फेंक देता है, और इसी के साथ साथ चूजिंग योन इस फाइट का विनर हो जाता है। अब चूजिंग योन इस फाइट का विनर जो बहुत ही ज़्यादा जख्मी था उसे योन पॉइजन लेके चला जाता है, और हम देखते हैं कि जो मिस यून है वो अपने मास्टर से बात करता है, और वो कहता है कि चूजिंग योन के ऊपर ये जानबूझ के अटैक किया गया है, इसी वजह से चूजिंग योन के लिए वो मास्टर एक दवाई देता है मिस यून को। और अब हम दूसरे साइड ली टू अंग को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसने चूजिंग योन के ऊपर अटैक किया था फाइट के बीच में। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो चूजिंग योन है उसके लिए सिटी मास्टर जो दवाई है वो ढूंढ रहा था, और हम देखते हैं वहाँ पे जो मिस यून है वो आ चुका था वहाँ पे, और आके चूजिंग योन को मास्टर योन का दिया हुआ वो दवाई देता है, और चूजिंग योन से पूछता है कि उसको किसी के ऊपर शक है क्या नहीं, जिस पे चूजिंग योन कहता है कि वो इस मैटर को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लेगा। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे सुई के योन का फाइट चूजिंग योन के साथ होने वाला था, और चूजिंग योन वहाँ पे लेट आता है, और वहाँ पे हम देखते हैं चूजिंग योन का और सुई के योन का फाइट शुरू होता है, जब तब उन दोनों के बीच जो फाइट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देखते हैं सुई के योन और चूजिंग योन दोनों अपने अपने 9 ब्लू टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, सुई के योन इससे ड्रैगन बनाते हैं, और चूजिंग योन का 9 ब्लू अटैक सुई के योन के अटैक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाता है, और इस वजह से सुई के योन होता है वो इस फाइट को हार जाता है।
अब सुई क्या योन अपनी हार नहीं मान पा रहा था, तो यहाँ पे चूजिंग योन सुई के योन से के पास रिवील करता है अपनी असली पहचान, जहाँ पे वो बताता है कि उसने ही नाइन ब्लू इस टेक्निक को उसे बेचा था। अब चूजिंग योन का इस टूर्नामेंट का जीतना एल्डर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिस वजह से एल्डर आके चूजिंग योन को रोकता है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है उसने चीटिंग किया है। अब चूजिंग योन को मुसीबत पे देख के जो मास्टर योन थे वो चूजिंग योन को बचाने के लिए आते हैं, पर लेकिन वो जो ग्रैंड मास्टर था वो चूजिंग योन के खिलाफ झूठा जो सबूत है वो दिखाता है और चूजिंग योन को मारने की कोशिश करता है। अब इसके बाद चूजिंग योन कैद से निकल के मास्टर के ऊपर अटैक करते हैं अपनी लाइटमिन पावर का इस्तेमाल करके, पर फिर भी चाहे कुछ भी हो चूजिंग योन के सामने एक ग्रैंड मास्टर था, तो इसी वजह से वो चूजिंग योन को दोबारा हरा के कैद कर लेता है और चूजिंग योन के ऊपर दोबारा अटैक करके मारने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं यहाँ पे चूजिंग योन के लिए जो उसके दोस्त थे और मास्टर योन थे वो सब एक साथ चूजिंग योन को बचाने की कोशिश करते हैं। अब इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चूजिंग योन को याद आता है कि उसके पास रीकार्नेशन स्टोन है जो किसी के भी स्पिरिट पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उस स्टोन का इस्तेमाल वो ग्रैंड मास्टर के ऊपर इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो चूजिंग योन ग्रैंड मास्टर की जो स्पिरिट पावर है वो एब्जॉर्ब कर पा रहा था, और इससे ग्रैंड मास्टर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उसकी पावर्स जा रहा था। और ये देख के बाकी सारे मास्टर्स और जो लोग थे वो हैरान हो गए थे, पर लेकिन वो चाह के भी अब कोई ग्रैंड मास्टर कुछ नहीं कर सकता था इसमें।